हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंटेंसिव सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ करें और इनसे रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट सेंटेंसेस, शी इज अ स्माइलिंग फेस, वे हसमुख है। शी हैज अ स्माइलिंग फेस, वे हसमुख है, मतलब उसके फेस पर हंसी रहती है तो वो हसमुख है, यानी स्माइलिंग फेस। शी हैज अ स्माइलिंग फेस, वे हसमुख है। ही वॉज स्टक इन ट्रैफिक, वे ट्रैफिक में फंस गए। स्टक मीन्स फंसना, और ट्रैफिक यानी कि जो रोड पर ट्रैफिक होता है, यानी जाम। ही वॉज अ स्टक इन ट्रैफिक, वे ट्रैफिक में फंस गया। हु कैन चेंज द डेस्टिनी, होनी को कौन टाल सकता है। हु कैन चेंज द डेस्टिनी, होनी को कौन टाल सकता है। चेंज मीन बदलना और डेस्टिनी यानी होनी। सो हु कैन चेंज द डेस्टिनी, होनी को कौन टाल सकता है। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, आप साबित क्या करना चाहते हैं, तुम साबित क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, प्रूव मीन साबित करना, और व्हाट डू यू वांट मतलब साबित क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, तुम साबित क्या करना चाहते हो या आप साबित क्या करना चाहते हैं। वी आर आफ्टर द सेम थिंग, हम एक ही बात के बात कर रहे हैं, हम एक ही बात के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर आफ्टर द सेम थिंग, हम एक ही बारे में बात करें, मतलब वी आर टॉकिंग अ सेम थिंग। आई विल लेट मीट राम, आई विल लेट मीट राम, मैं राम से मिलने दूंगा। आई विल लेट मीट राम, मैं राम से मिलने दूंगा, यानी आई विल लेट मीट राम। आई क्लीन्ड अप आफ्टर द पार्टी, मैं पार्टी के बाद सफाई कर दूंगी, मतलब सफाई कर देंगे, क्लीन कर देंगे, तो आई क्लीन्ड अप आफ्टर द पार्टी, आई क्लीन्ड अप आफ्टर द पार्टी। डोंट मेक मी अप कम आफ्टर यू, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मत आना। डोंट कम मी आफ्टर यू, मतलब मेरे जाने के बाद तुम मत आना। आफ्टर द स्टॉर्म इट वॉज काम, तूफान के बाद यह शांत था। आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, और काम मीन्स शांत। आफ्टर द स्टॉर्म इट वॉज काम। वट हैपन्स आफ्टर वी लीव, हमारे जाने के बाद क्या होता है, तो वट हैपन्स आफ्टर वी लीव, मतलब जाने के बाद यानी लीव, आफ्टर अ लीव। वट हैपन आफ्टर वी लीव, हमारे जाने के बाद क्या होता है। नेक्स्ट इज वट हैपन आफ्टर वी लेफ्ट, मतलब हमारे जाने के बाद क्या हुआ, क्या होता है और क्या हुआ। वट हैपन आफ्टर वी लेफ्ट, मतलब हमारे जाने के बाद क्या हुआ, पार्टी में गए उसमें तो उसके जाने के बाद क्या हुआ, तो वट हैपन आफ्टर वी लेफ्ट। वी कन्वे आफ्टर लंच, हम दोपहर के भोजन के बाद फिर मिलेंगे। वी रिकनवे आफ्टर लंच, मतलब लंच के बाद दोबारा मिलेंगे, तो रिकनवे आफ्टर द लंच, लंच के बाद। वी वॉन्ट बी हेयर आफ्टर 2:30, हम दो ढाई बजे के बाद यहाँ नहीं होंगे। वी वॉन्ट बी हेयर आफ्टर 2:30। वी प्ले टेनिस आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद टेनिस खेलते हैं, मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम टेनिस खेलते हैं, तो वी प्ले टेनिस आफ्टर स्कूल, वी प्ले टेनिस आफ्टर स्कूल। टॉम डिडंट बाय इट आफ्टर ऑल, टॉम ने इसे बिल्कुल नहीं खरीदा, तो टॉम डिडंट बाय इट आफ्टर ऑल, मतलब उसने बिल्कुल नहीं खरीदा यानी आफ्टर ऑल। दे लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, वे एक के बाद एक छोड़ते गए, तो किसी भी काम को छोड़ते गए, तो दे लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक यानी वन आफ्टर अनदर। दे डाइड वन आफ्टर अनदर, वे एक के बाद एक मरते गए, दे डाइड वन आफ्टर एन अनदर, मतलब एक के बाद एक के लिए हम यूज करेंगे वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। आई विल सी यू आफ्टर द शो, मैं आपको शो के बाद देखूंगा। आई विल सी यू आफ्टर द शो, यानी शो के बाद देखूंगा यानी आफ्टर द शो, आई विल सी यू आफ्टर द शो। इल सी यू आफ्टर प्रैक्टिस, मैं आपको अभ्यास के बाद देखूंगा, मतलब काम करने का अपना उसके बाद देखूंगा, तो आई विल सी यू आफ्टर द प्रैक्टिस, आई विल सी यू आफ्टर द
प्रैक्टिस, मैं तुम्हें मैं अपने अभ्यास के बाद देखूँ, मतलब काम करने के बाद देखूँगा। एल पी की ओ आफ्टर वर्क, मैं आपको काम के बाद उठाऊँगा। आई एल पिक यू अप आफ्टर वर्क, मैं आपको काम के बाद उठाऊंगा, यानी कि काम हो जाएगा जब उठाऊंगा, तो आई एल पिक यू अप आफ्टर वर्क, मैं आपको काम के बाद उठाऊंगा। एल लुक आफ्टर टॉम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए टॉम की देखभाल करूंगा। एल टुक आई विल लुक आफ्टर टॉम फॉर यू। आई ड्रिंक कॉफी आफ्टर डिनर, मैं रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ, तो आई ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर डिनर, मैं रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ, तो आई ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर डिनर, मतलब खाने के बाद, यानी कि आफ्टर डिनर। आई विल लेट यू मीट राम, मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा। आई विल लेट यू मीट राम, मैं पूछ रहा है कोई कि मिलने दोगे या नहीं, तो जब हम कहेंगे आई विल लेट यू मीट राम, मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा। I will let you meet Ram. मैं राम तुम्हें राम से मिलने दूंगा। He arrived after I had left. मेरे जाने के बाद वह आया। He arrived after I had left. Arrive means आना। After I left मेरे जाने के बाद। I had left मेरे जाने के बाद। Don't walk alone after dark. अंधेरे के बाद अकेले ना चलो। Don't walk alone after the dark. Don't walk alone after dark. मतलब dark alone अकेला और dark means अंधेरा. Don't walk यानी चलना और alone अकेला and after dark यानी अंधेरे के बाद. Come the day after tomorrow. परसों आओ. Come the day after tomorrow. परसों आना यानी कि come day after tomorrow. और परसों आया था यानी कि come day before yesterday. Day before yesterday. Come into the room after me. मेरे बाद कमरे में आओ. Come into the room after me. मेरे बाद कमरे में आओ यानी come यानी आना. Come into the room after me. मेरे बाद कमरे में आओ. Come into the room after me. After me यानी मेरे बाद. Come into the room यानी कमरे में आओ. You also do something. तुम भी कुछ कर लिया करो. You also do समथिंग यानी तुम भी कुछ कर लिया करो. यू ऑल्सो डू समथिंग. समथिंग मीन्स कुछ. हाउ मच नेट इज लेफ्ट. नेट कितना बचा हुआ. हाउ मच नेट इज लेफ्ट. पूछते हम कि फोन में नेट कितना बचा हुआ है, कितना यूज हो गया, तो हम एस्क करेंगे हाउ मच नेट इज लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स बचा हुआ. हाउ मच कितना, कितना नेट बचा हुआ. हाउ मच नेट इज लेफ्ट. डोंट फिनिश इट्स नेट. इसका नेट मत खत्म करना. डोंट फिनिश इट्स नेट. इसका नेट मत खत्म करना. फिनिश मीन्स खत्म करना. इट्स मतलब इसका और डोंट मतलब मत करना. नेवर माइंड कुछ परवाह ना करो. नेवर माइंड कुछ परवाह ना करो. किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं नेवर माइंड कुछ परवाह ना करो. नेवर माइंड. बुरा मत मानना. डोंट फील बैड अबाउट इट. मतलब इसके बारे में बुरा मत मानना. तो डोंट फील बैड अबाउट इट. अबाउट इट मतलब इसके बारे में. डोंट फील बैड अबाउट इट. लापरवाह मत बनो. डोंट बी केयरलेस. लापरवाह मत बनो. तो डोंट बी केयरलेस. केयरलेस मीन्स लापरवाह और डोंट बी यानी मत बनो. डोंट बी केयरलेस. लापरवाह मत बनो. आज सुबह मैं थका हुआ था. आई वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग. आज मैं थका हुआ था. टायर्ड मीन्स थका हुआ. दिस मॉर्निंग आज सुबह. आई वॉज मैं था. आई वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग. आई नीड मोर मनी टू. मुझे और भी पैसे चाहिए. आई नीड मोर मनी टू. मुझे और भी पैसे चाहिए. मतलब मोर मनी यानी और भी पैसे, मतलब दे दिए और उससे अलग और भी चाहिए, तो हम कहते हैं मोर मनी. Don't beat about the bush. इधर उधर की बातें मत करो. Don't beat about the bush. यानी कि फालतू बातें मत करो, काम की बातें करो. So don't beat about the bush. इधर उधर की बातें. Don't beat about the bush. Actually it was done by mistake. दरअसल ये गलती से हो गया.
एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक, यानी एक्चुअली यानी दरअसल इट वॉज डन बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया। हम पूछते हैं कैसे हो गया, तो वी कैन से एक्चुअली इट डन बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।